नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विधानसभा में वीरवार को बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को बताया कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां 24 फरवरी से पहले केंद्रीय सहायता के लाभार्थी किसानों की सूची तैयार कर केंद्र को भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि आचार संहिता से पहले केंद्रीय सहायता की पहली किश्त किसानों के खाते में आ सकती है। मुख्यमंत्री सदन में विपक्ष द्वारा किसानों को केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है और 5 एकड़ से कम भूमि के मालिक किसानों को ही यह सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जितने भी खेतीहर जमीन के स्वामी हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके नाम इस सूची में शामिल किए जाएंगे और समय पर केंद्र सरकार को भेज दिए जाएंगे ताकि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के हाथों से केंद्रीय सहायता राशि के वितरण का कार्य शुरू हो सके। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम है, कोई हरियाणा सरकार की स्कीम नहीं है। और केंद्र सरकार की स्कीम में जो उसके ऊपर राइडर्स लगाए गए हैं, पहला राइडर तो ये है कि 5 एकड़ से ज़्यादा के जो किसान हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। दूसरा राइडर ये है कि ये केवल जो किसान स्वयं भू मालिक हैं ये केवल उनके लिए है। और हम जो मान के चलते हैं बाकी किसान जिसके अंदर जो भू मालिक नहीं है, काश्तकार हैं, उनकी संख्या ऐसे मानते हैं, ये उसमें अभी नहीं है। आगे चल करके कुछ सुधार होने होंगे तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन आज जो है वो इसी प्रकार से है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितने भी नामों से एग्रीकल्चर लैंड जिन लोगों के पास है उसमें, और तीसरा इसमें जो 18 साल से कम आयु के नाम जो ज़मीन है वो भी इसमें नहीं है। वो परिवार की जो टोटल ज़मीन है वो इसके अंदर काउंट की जाएगी। तो इस प्रकार अभी उन सब नामों को रेवेन्यू रिकॉर्ड से तस्दीक करके और उन नामों को भेजा जा रहा है। आने वाली 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी इसके वितरण का काम वो शुरू करा देंगे और मैं समझता हूँ इस महीने के अंदर अंदर आचार संहिता से पहले पहले इन सब किसानों को जिनके नाम, और मैं समझता हूँ हरियाणा शायद इस सूची को तैयार करके देने वाला सबसे पहला राज्य होगा कि 24 से पहले पहले हम ये सूची दे देंगे और ये 2000 रुपया आचार संहिता से पहले पहले हर एक किस्त जो है 3 किस्त में से ये हर एक उस किसान के खाते में चली जाएगी। फिर भी सूची के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो अगली किस्त उनकी उसके साथ मिला करके दूसरी किस्त के साथ आएगी।